प्री प्लान मुझे भी जल्दी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम, जैसे कि मैं जल्दबाजी में हीरोइन तो फिल्मों में तो आ गई, और चूँकि तैयारी नहीं थी तो लीडिंग कैरेक्टर ना कर पाई, और आज इसी वजह से आप लोग मुझसे पूछते हैं कि अभी तक आपने लीडिंग कैरेक्टर नहीं किया, आप भी ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, चूँकि मैं प्रिपेयर नहीं थी मूवीज़ में आने के लिए। मुझे अचानक ऑफर हुई, मेरी एज बहुत कम थी, मैं इमेच्योर थी, और मैं लाइक मेरी एक्टिंग क्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिस वजह से मुझे मौका ना मिल सका। और अब जब वो वक्त आया तो हमारी इंडस्ट्री जो है ख़त्म हो गई। आप की तरह खुद भी फिल्म में लीडिंग रोल अदा करेंगी, डिपेंड करता है, लाइक अगर मुझे ऐसा लगा कि इस रोल में मुझे होना चाहिए तो आई नॉट, और अगर मुझे ऐसा लगा कि इस रोल में लेना नहीं, मीरा या सना होनी चाहिए तो या फिर ये चाहिए। अच्छा, अब मुझे बताएं शान और मोहम्मद आनंद में क्या फ़र्क देखती हैं, दोनों में से क्या डिफरेंट चीज़ है कि दोनों के दूसरे से बात करते हैं? दोनों की लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की पर्सनैलिटी, दोनों की एक्टिंग। शान का आपने नाम एक बार इस्तेमाल किया, अच्छे डायरेक्टर। ओह आई एम सॉरी शान, हालांकि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड सॉरी शान, शान बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत बहुत एक्चुअली। शान जो है अभी आए हैं, मैं वो पुराने डायरेक्टर्स की बात कर रही थी। शान को डायरेक्शन में तो 5-6 साल। हाँ, तो 5-6 साल आप उनको कंसिडर न्यू में करोगे ना, और माशाल्लाह उन्होंने जितना भी काम किया काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बात कर रही थी पुराने हमारे डायरेक्टर पिछले 20-25 साल से काम करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, आप फिल्म डायरेक्ट करेंगी प्रोड्यूस करेंगी? मैं प्रोड्यूस भी करूँगी, मैं डायरेक्ट भी करूँगी। प्रोड्यूसर और फाइनेंसर में क्या फ़र्क समझती हूँ? प्रोड्यूसर में या फाइनेंसर में क्या फ़र्क समझती हूँ, एक्चुअली इसके बारे में शायद मुझे खुद भी कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपको क्लियर कर सकूँ। प्रोड्यूसर फिल्म प्रोड्यूस करता है, फाइनेंसर पैसे प्रोवाइड करता है, फाइनेंस करता है, तो आप फिल्म प्रोड्यूस करेंगी, फाइनेंस भी करेंगी? देखिए लेट्स सी, ये वक्त पर हालात पर डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन बनेगी। रीमा ने तो अपनी फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए एक अपना प्लॉट बेचा था और बहुत सारी चीज़ें बेची थी, आप अच्छा। क्या बेचना चाहेंगी? नहीं देखिए, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अभी डायरेक्शन सीखना चाह रही हूँ, डायरेक्शन सीखूँगी, और जब मैं ये समझूँगी कि मैंने डायरेक्शन सीख लिया और मुझे चीज़ों के बारे में पता चल गया कि किस तरह से सब चीज़ें करनी है, तो स्टेप बाई स्टेप। रीमा ने जब ये सब कुछ करके फिल्म प्रोड्यूस की थी तो शायद उतने पैसे बचे थे कि उन्होंने एक मर्सिडीज गाड़ी उस फिल्म की। मेरा नहीं ख्याल है ये इतना बुरा ये काम है। बुरा काम नहीं, अगर बुरा काम होता तो मैं ऐसा डिसाइड ही नहीं करती। डायरेक्शन में अभी तक आपके कितने बॉयफ्रेंड हैं? ये बात कितने मतलब क्या, आपने कितने बॉयफ्रेंड चेंज किए हैं? एक बॉयफ्रेंड था, क्या था? कपड़े नहीं जो चेंज किए जाए या जूते नहीं चेंज किए जाए। मेरा अफेयर था, मुझे भी जिंदगी में प्यार हुआ, मेरी दोस्ती हुई, और ऐसा नहीं है कि मैं लाइक इसको ग्लासेस या जूते जैसे चेंज किए जाते हैं वैसे बॉयफ्रेंड चेंज करूँगी, इतना टाइम नहीं है। और बार बार आपके बॉयफ्रेंड का नाम एहसन था? हाँ एहसन था, उसका नाम एहसन है उसका नाम, और एहसन खान टी वी आर्टिस्ट। एहसन खान जी, एहसन खान से दोस्ती हुई, हम लोग ने एक्चुअली एक फिल्म बल्कि दो फिल्में की थी, लव इन हॉलैंड गैम्बलर, और उसके लिए हम लोग आउटडोर गए थे हॉलैंड में, और ऐसे कुली काम किया, दोस्त भी हुई और दोस्ती प्यार भी बदल गई, और बस ऐसे से लास्ट जो प्यार हुआ था मुझे, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। आप रोज़ रोज़ किसी से प्यार कर सकते नहीं हो, एक्चुअली प्यार हो जाता है और किया जाता नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि उस वक्त बहुत इमेच्योर थी, एक तो शादी की थी भी नहीं, काम करने की थी, शादी की नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा करियर का स्टार्ट था, मेरी वो थर्ड फोर्थ साल थी, मैं लाइक मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं शादी इमिजिएटली करूँगी, और एहसन भी जो था उसका स्टार्ट था, और एहसन की भी एज नहीं थी कि हम दोनों की एज जो थी वो बहुत कम थी, और हम लोगों ने ये सोचा नहीं था कि हम शादी करेंगे। हाँ, हमारा अफेयर अगर 7-8-10 साल तक चाहता तो हम लोग अब शादी कर लेते, लेकिन हम लोग का दोस्ती अफेयर या बहुत एवर जो भी था वो 3-4 साल रहा, किसी से कोई अफेयर नहीं था आपका? नहीं, कोई बंदा दोस्ती होती है, दोस्ती लाइफ में होती है, बहुत से फ्रेंड्स हैं मेरे, लेकिन आपको वो जो एक इश्क मोहब्बत घूट के जो हो जाता है, मेरी शान से शादी होती है। शान मुझे बहुत अच्छा लगता था, जब मैं स्कूल लाइफ में थी बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लगता था, और जब मैं फिल्मों में आई और तब भी अच्छा लगता था, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे थे हैं,
और शान से यही वजह कि मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छे इंसान है। शुएब अख्तर क्रिकेटर से भी अच्छी खासी दोस्ती रही है, आप इसको जिनाई करेंगे? नहीं, इसमें जिनाई करने वाली कोई बात नहीं है, क्यों मैं जिनाई करूँगी? शुएब अख्तर से दोस्ती होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, दोस्ती थी है अभी भी है। अब नाइट लाइफ में कभी पार्टीज में फंक्शंस में कभी कभार कभी कभार जब फ्रेंड्स हम सब इकट्ठे होते हैं और हम लोग गेट टुगेदर्स करते हैं, लाइक पार्टी भी करते हैं, होना चाहिए। इतना काम करके थक जाते हैं, होना चाहिए। रीमा और सैमा में आप क्या देखती हैं फर्क? रीमा और सैमा का कंपैरिजन कैसे करेंगे? रीमा और सैमा की इन दोनों की आपकी अलग अलग पर्सनैलिटी है, उनका एक्टिंग जो है दोनों की अलग है, लुक्स अलग है। और सैमा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, रीमा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। रीमा अच्छी डांसर है, अच्छी आर्टिस्ट है, दोनों डांसर भी बहुत अच्छी है, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी है। अच्छा, और अब एक ही उन्होंने भी फिल्म बनाई है एज ए डायरेक्टर, उनकी डायरेक्शन भी अच्छी रहती है। अभी उन्होंने बनाई भी एक फिल्म है और दूसरी फिल्म में वो खुद काम कर देंगे, तो अब वो आगे जब दूसरी तीसरी चौथी फिल्म बनाएंगे। समझ सके ये राइट होता है जो फिल्म डायरेक्ट या प्रोड्यूस करे उसमें काम भी खुद करे, जैसे रीमा ने अपनी दोनों फिल्म में खुद रिकॉल कर रही है। सब्जेक्ट की जरूरत हो उनका खुद का उस फिल्म में मौजूद होना। तो आपकी लड़ाइयाँ भी कुछ लोगों से रही हैं, निर्मा से आप वो आपने थप्पड़ मारा था? निर्मा से मेरी कभी लड़ाई, वो इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं मेरी निर्मा की बड़ी अच्छी दोस्त है, आपको आप खुद अखबार से ताल्लुक रखते हैं। थप्पड़ क्यों मारा? मैंने थप्पड़ मारा हुआ नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरा तब सीन था, वो फिल्म का सीन था, आई थिंक थप्पड़ लग गया था, लग नहीं गया था वो, बल्कि आप न्यूज़पेपर वालों ने उसको लड़ाई में कन्वर्ट कर दिया था। वो एक फिल्म का सीन था जिसमें हमारी आपस में पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है। मुश्ताक अहमद से आप? हाँ, मुश्ताक अहमद से वो इसलिए हो गई थी क्योंकि हम लोग नेबर्स थे और उनकी आमने सामने रहते थे, तो उनकी वाइफ को ऐसा लगा कि पता नहीं कि मेरे हस्बैंड के और लैला के दरमियान कुछ पक रहा है, कुछ हो रहा है, फ्रेंडशिप बन रही है। हाँ, ऐसा लगा बिल्कुल। हालांकि उनकी जो वाइफ है, आपको पूरा भाई समझती है? नहीं, भाई तो मेरे बिल्कुल नहीं है। मेरे माशाल्लाह चार भाई हैं और वो हैं, वो सलामत रहे। और नहीं, कभी मैंने उनके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। और उनकी मजे की बात ये कि उनकी वाइफ मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, हम लोग रोड पर बैडमिंटन खेला करते थे, वो भी खेलती थी, उनकी उनके हस्बैंड भी खेलते थे, उनकी बहन भी खेलती थी। लेकिन लड़कियों को औरतों को संभव पता नहीं दिल में कुछ ऐसा आ जाता है कि हाँ, ये सेलिब्रिटी है, फिल्म स्टार है, मेरे हस्बैंड जो है वो क्रिकेटर है, कुछ ऐसा है तो नहीं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। आपने शायद उस लड़ाई की बात छोड़ दिया? ऑफकोर्स मैंने वो जगह ही छोड़ दी, बिकॉज आमने सामने रहना और फिर जब आपके दिलों में कुछ ऐसी बात आ जाए तो मैंने ये मुनासिब समझा कि बजाय के बाद उनकी लाइफ जो है मियाँ बीवी की ख़राब हो मेरी वजह से, तो जबकि कुछ ऐसा था नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इनकी जो है लाइफ में खुशियाँ रहनी चाहिए। कभी किसी प्रोड्यूसर ने ऊपर किया कि आप मुझसे दोस्ती करें तो मैं आपको फिल्मों में लीडिंग रोल दूंगा या पांच चार फिल्म? मुझे समझाने बड़े अच्छे शरीफ है, मुझे आज तक किसी ने बोला नहीं है। अच्छा, एक दफ़ा आपने किसी प्रोड्यूसर से लड़ाई की थी कि आप मेरी फिल्म के सेट पर कोई दोस्त लेकर आ गए हैं और मैं या इतने सीन कर रही हूँ बड़े बोल्ड फिल्म के, अच्छा नहीं है, आप तो कहेंगे नहीं तो मैं फिल्म में काम नहीं करूँगी? मैडम सीता फिल्म की डायरेक्टर आप भी थे वहाँ पे? मैडम सीता की रूप फिल्म उगाना पिक्चर इसके बारे थे, आप भी थे। वो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा आप देख ही रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे जो हमारे फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, उनके कुछ भाई, फिर उनके आगे से कज़न, फिर कज़न की दोस्त, एक 20-25 लोग आ गए थे। और जहाँ मैं और वो कौन साउथ थे मेरे साथ, आई थिंक साउथ थे, गाना हम लोग पिक्चराइज करवा रहे थे, बिल्कुल वो सामने आके बहुत से लोग बैठे थे और मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, जिसकी वजह से मैंने आपस से कहा कि आपका मैं कम्फर्टेबल फील नहीं कर रही चार देते हुए, तो आप उनसे बोले कि या तो साइड पर हो जाए या फिर क्योंकि वो जगह छत बहुत छोटी थी, हमारे यूनिट के लोग थे और फिर देखने वाले भी बहुत लोग थे, तो मुझसे काम नहीं हो रहा था। क्या कुछ फ्यूचर देखती है अपना फ्यूचर? सबसे पहले तो मैं इंडस्ट्री का फ्यूचर देखना चाहूँगी, इंडस्ट्री होगी तो मैं रहूँगी और जब इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो मेरा फ्यूचर तो बहुत दूर की बात है। अभी तो मुझे अपने फ्यूचर से ज़्यादा अपने इंडस्ट्री के फ्यूचर की फिक्र है कि जहाँ काम